हाय फ्रेंड्स, आज घर की वॉश बेसिन साफ करेंगे जो कि हमेशा गंदा हो जाता है और बाहर से सामान लाना पड़ता है। अब आपको मैं घर के ही सामान से वॉश बेसिन साफ करके दिखाऊंगी जो कि बहुत ही आसान तरीका है और झटपट साफ हो जाता है एकदम नया जैसा। आप खुद देख सकते हैं कितना चमक रहा है। कुछ ही मिनटों में मैंने इसे साफ किया है, वह भी घर के सामान से। पहले कितना गंदा था, अब कितना साफ हो चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए साफ करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने आधा नींबू लिया है, या ख़राब नींबू है जो यूज नहीं हो पाया है, ख़राब हो चुका है, सूखा हुआ। उसमें मैंने नमक लगाया है, नमक लगा के इस तरह से रगड़ रही हूँ। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप एक चम्मच खाने वाला सोडा और एक चम्मच डिटर्जेंट घोर के भी इस तरह से लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से छूट जाता है। घोर लगा के 5 मिनट छोड़ सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो डाला था इसकी सफाई पर, आपकी रिक्वेस्ट पर मैं फिर से साफ करके मैं दिखा रही हूँ घर के सामान से। या देखिए इस तरह से छूटने लगा है। अब मैंने पानी डालना शुरू कर दिया है। बहुत ही आसान तरीके से साफ हो जाता है, सिर्फ लगा के 5 मिनट छोड़ दीजिए। स्क्रबर में मैंने डिश वॉश लगा लिया है, आप कोई भी डिश वॉश ले सकते हैं बर्तन धोने वाला। इस तरह से लगा देना है और हल्का हल्का रगड़ देंगे, आसानी से साफ हो जाएगा। मैंने इसे चारों तरफ लगा दिया है जहाँ जहाँ गंदा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के नीचे घंटी है यानी बेल आइकन, उसे जरूर दबाएं ताकि आपको नया नया वीडियो देखने को मिले। मेरे चैनल पे आपको अनेक सफाई पे वीडियो मिलेंगे, वह भी घर के सामान से कैसे साफ करें। मैंने चारों तरफ लगा दिया है और इसे रगड़ दिया है। अब मैं पानी से धो रही हूँ। देखिए आप खुद देख सकते हैं कितनी आसानी से साफ हो गया है, बिना किसी झंझट के, ना बाहर से सामान लाना पड़ा, घर के सामान से ही साफ हो गया है, एकदम चमकने लगा है। आप भी इसी तरह साफ कर सकते हैं, बहुत आसानी से साफ हो जाएगा। बाहर से जो लाते हैं क्लीनर, उसमें केमिकल ज़्यादा होता है, उससे यह खराब हो सकता है, और घर के सामान से यह खराब भी नहीं होगा, आसानी से साफ भी हो जाता है। आपके पैसे भी बचेंगे और यह झटपट साफ भी हो जाएगा, हमेशा साफ रहेगा, जब चाहे आप साफ कर सकते हैं आसानी से। मेरे चैनल पर वेज नॉन वेज दोनों रेसिपी है खाने की, आप ज़रूर देखें। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।